नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर नागपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी और विधायक रईस शेख ने यहां शीतकालीन अधिवेशन के पहले दिन सोमवार को विधानसभा के गेट पर धरना दिया। आजमी ने बिल के विरोध में बैनर को लेकर धरना दिया और देखकर केंद्र सरकार से मांग किया कि नागरिकता संशोधन बिल को तत्काल रद्द किया जाए। आजमी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए नागरिकता संशोधन बिल लाई है, इसे हम रद्द करने की मांग करते हैं। आजमी ने बताया कि 19 दिसंबर को समाजवादी पार्टी की तरफ से विशाल मोर्चा निकालकर बिल का निषेध करेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में शनिवार को मुंबई के आजाद मैदान में धरना आंदोलन किया गया था। इस दौरान हजारों की संख्या में नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस आंदोलन में पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन, छात्र नेता उमर खालिद, फैद अहमद, विधायक रईस शेख सहित पार्टी के कई अन्य नेता शामिल हुए थे। श्री शरद अरविंद बोबड़े साहब, जो इसी महाराष्ट्र की सरजमीन के, जो भारतवर्ष की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान है, इसके लिए अभिनंदन प्रस्ताव हम लोगों ने किया है। हम बहुत बधाई देना चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र की सरजमीन का लाल आज भारतवर्ष की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, जहां आज इस देश के संविधान को खतरा पैदा हो गया है। मुझे अभिमान है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे महाराष्ट्र के, माझा महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमीन, मेरा महाराष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सरजमीन, अगर इतिहास के पन्ने को पलटा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में अफगान के पठान भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवी के सारे अफसरान मुसलमान थे, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया इस देश के साथ, हिंदू मुस्लिम के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ कानून, जब ये देश आज़ाद हुआ तो इस देश के आज़ाद करने वाले सर जोड़कर बैठे थे कि हमारा देश दुनिया में सबसे आगे कैसे जाए, तो ये तय किया गया कि ये देश ऐसा बनेगा कि जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबको एक तरह से देखा जाएगा। लेकिन आज कुछ इतनी छोटी जहनीत के लोग आ गए हैं जो अपना घर नहीं चला सकते, वो भारतवर्ष की कुर्सी पर आकर बैठ गए, और ऐसे लोग बैठ गए जो गुजरात में तड़ीपाल कर दिए गए, वो आज होम मिनिस्टर बन गए देश के, और एक ऐसी लुच्ची और छोटी चीज़ें कर रहे हैं देश के अंदर। मैं समझता हूँ, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की दलाली कर रहे हैं ये लोग। मुझे याद है कि 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए गए थे, बांग्लादेश किया गया था, जिसमें हमारी प्रधानमंत्री उस वक्त की इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा योगदान किया था, और पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांट दिया गया। मुझे इस बात का डर है कि आज नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बगैर किसी को बताए हुए चले गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए। जब उन्होंने पहली शपथ लिया तो नवाज शरीफ को बुलाया, जब तक आज तक भारतवर्ष में किसी ने नहीं बुलाया था। वो देश जो हमारे यहाँ रोजाना बॉर्डर पे आतंकवादी भेजता है, देश में रोजाना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसकी वजह से खराब हो रही है, उससे अच्छे तल्लुकात बनाए, उसको गिफ्ट भेज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। मैं कहने पे मजबूर हूँ कि कहीं उनके कहने पर भारतवर्ष के दो टुकड़े करने का चक्कर तो नहीं इनका है। आज जो इस देश में हो रहा है, देश को दो टुकड़ों में बांटने की साजिश हो रही है। 25 करोड़ मुसलमान, क्या इनको देश से निकाल देंगे? आज मैं ऐलान करता हूं कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे देश में, और कोई भी इस कैप और NRC में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा अपनी कोई भी सर्टिफिकेट लेने के लिए, दिखाने के लिए। और ये लोग जो हैं सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांट रहे हैं। जो देश धर्म के नाम पर बना है वो देश बर्बादी के कगार पर है। आप मिसाल देख लो, आप देखो, आज UK जाओ, आप अमेरिका जाओ, इन देशों में धर्म के नाम पर नहीं काम हो रहा है। 1947 में पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, मगर मेरा देश
ऐसा देश बना था जो सेक्युलर देश है, जिसमें हर धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया गया। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अभिमान करता हूं कि श्री बोबड़े साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, और ये जब अब जायद ट्रेडिशन जा रहा है इसको उठाकर फेंक देंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून को इस देश में लागू रखेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। और हम निंदा करते हैं इतनी छोटी जो सोच है हमारे प्रधानमंत्री की, होम मिनिस्टर की, कि जो इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं, इसकी पूरी निंदा करते हैं और इस कानून को हम लोग बिल्कुल मानेंगे नहीं। धन्यवाद।